तो पहले तो हम ये छोटे से डिस्कस कर लें कि हज़रत इदरीस किस कौम पे उतरे थे और किन के ख़िलाफ़ लड़े थे, और फिर उसके बाद सुमेरियन टैक्स की बात करेंगे। पहले हज़रत इदरीस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो हज़रत इदरीस के बारे में क्या हमें, हज़रत इदरीस के बारे में ये हमने बात क्लियर नहीं की थी कि वो किस कौम पर आए थे, किस कौम से लड़े थे उनका, और वो एंड में जो उनका हमने सारी बात की थी ना कि हज़रत इदरीस पोर्टल्स में और ये सब पोर्टल्स में और इन सब चीज़ों पर ट्रैवल करते थे, लेकिन उसका एंड क्या था। ओके, जो पहले तो मैं आपको बता दूं समर्रा और सुमेरिया है क्या, ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास तीन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की, जिसके थ्रू आपको भी पढ़ना पड़ेगा, हम भी वही पढ़ रहे हैं। एक तो तौरात और इंजील है, जो कि बाइबल की शक्ल में अब हमारे पास है, उसके तीन वर्जन्स हैं और तीनों के तीनों वर्जन्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, बशर्ते के, क्योंकि ये मुसलमानों पे हुक्म है कि जब तक कुरान पाक नहीं पढ़ा तब तक बाकी किताबें मत पढ़ें। तो डायरेक्टली आपने वो किताबें पढ़नी नहीं शुरू कर देनी, कुरान पाक के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता हो, फिर आप उसको रेफरेंस के तौर पर आप एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट आप, क्योंकि है वो अल्लाह की ही किताबें, ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम उन चारों किताबों को माने, सिवाय उस बात के कि जो कुरान पाक को काउंटर करती हो या कोई इंटरसेक्शन आता हो उसमें, कि जिसमें कोई ऐसा बिलीफ का कॉन्सेप्ट हो जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में या कुरान पाक में सही तौर पर बताया होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये इस्लाम का तरीक़ाकार है थॉट बिल्ड करने का, कि जो चीज़ें, और कुरान पाक में भी ऐसे ही आपने देखा है कि जो चीज़ें पहले से किताबों में लोगों को पूरी तरीके से पता थी और इस पर ईमान था, कुरान पाक ने उनका जिक्र भी नहीं किया, बशर्ते कि ऐसी चीज़ों के ऊपर वो ईमान ले आए हों, जो कि, या फिर ऐसा इनहराफ़ कर दिया हो किताबों में जो कि अल्लाह ताला ने फिर करेक्शन करके बताया हो कि कुरान पाक में कि ये चीज़ गलत आप लोग मान रहे हैं, इसकी सही तरीका ये है, सही नंबर्स ये हैं, सही अकीदा ये है इसके ऊपर। वरना तो ये चारों किताबों को अगर हम ये ईमान रख लें कि वो सारी की सारी किताबें बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दी हैं, तो फिर तो हमारे उस ईमान का हिस्सा ही टकमगा रहता है कि चार किताबें कितने हैं वो फिर। सो वी नीड टू बिलीव इन दोज बुक्स एज मुस्लिम्स। एक तो हमारे पास ये रेफरेंस है, उसकी तीन वर्जन्स क्या हैं, एक है आपका किंग जेम्स वर्जन जिसकी 73 के करीब किताबें, जो सूरतें जिसे कहते हैं हम, बहरहाल उनको सूरतें कहते हैं, वो बुक्स कहते हैं उनको, उन बुक्स के अंदर भी काफ़ी सूरतें होती हैं, सब उनकी तरतीब अलग तरीके से। एक उनकी जो मेन स्ट्रीम कैथलिक चर्च द रोमन चर्च की इशू करदा जो बाइबल है वो है, उसमें 80 से ज़्यादा थोड़ी सी किताबें हैं, और जो तीसरा वर्जन है वो है इथियोपियन बाइबल का, उसमें सबसे ज़्यादा किताबें हैं। सो वी नीड टू हैव दैट रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ दीज मेन स्ट्रीम रिलीजियस सेक्ट्स, एक है ये सोर्स। दूसरी सोर्स है एंशंट हिस्ट्री की, वो हिस्ट्री पै दर पै करके अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपने तौर पे, अपने मुशाहदे के तौर पर डॉक्यूमेंट की, किस तरीके से की, वो उसी को टैबलेट बोल रहे हैं, ये वो टैबलेट नहीं है जो आईपैड की या इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, वो पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिखते होते थे, और यही कल हम बता रहे थे कि सबसे बेहतरीन तरीका किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का, कॉमन सेंस की बात थी कि वो पत्थर पर किया जाए, क्योंकि पत्थर लाखों सालों से अपनी शेप बरकरार रखे हुए हैं हमारे जो कुरे अर्ज पर। तो उन्होंने किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब नहीं किया जिसकी नज़ाकत की वजह से कोई ऐसी आफत आए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, पानी आ जाए, जो कि आता है, तूफान आते हैं, तो उसकी प्रजर्वेशन में मसला ना आए, तो उन्होंने पत्थर का इंतखाब किया, और बड़ा ही अच्छा डिसीजन था उन, सो क्योंकि वो हज़ारों साल बाद हमें मिल रहे हैं। मायन सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका के करीब, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो इराक के अंदर थी, इसको प्री बेबलॉन ईरा में ये गर्दाना जाएगा, इसको मेसोपोटामिया कहा जाता है, फिर ग्रीक सिविलाइजेशन ऑब्वियसली ग्रीस में थी, रोमन सिविलाइजेशन इटली के जो यूरोप का हिस्सा है वहाँ पे थी, ये पुरानी कदीम सिविलाइजेशन, इन सब के टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हमारे पास हैं, सही हैं या गलत हैं ये एक अलग बहस है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी ना किसी शक्ल में आ रहा है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हमारे पास काफ़ी अलग अलग वर्जन में मौजूद है, वेद हैज़ अ लॉट मोर टेक्स्ट देन एनी अदर बुक दैट वी है, जो कि ज़्यादा मशहूर हो गई इंडियन टेक्स्ट में। सो ये नंबर टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको एंशंट हिस्ट्री में रखते हैं। एंशंट हिस्ट्री का मतलब है कि ये 10,000 साल 20,000 साल की बातें हैं सारी, ये जो बाइबल और तौरा है
ये एंशंट हिस्ट्री नहीं है, ये एज फार एज वी कैन टेल ये 3000 और 4500 के साल के बीच के टेक्स्ट हैं। ये हमें बाइबल का तो पता है, 2019 साल हो गए हैं बाइबल को, आप 2019 में रह रहे हैं, तो 2019 ये हो गए और तकरीबन 3500 साल तौरात को हो गए। सो उसको और जो फाइनल नेल है जिसके थ्रू जो स्टेंसिल है हमारा, वो जो फाइनल थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है इस बारे में, वो कुरान और हदीस है। ये स्टेंसिल है हमारा, अगर कोई ऐसी चीज़ इनसे मुताबिकत रखती है या इनकी तस्दीक कर रही है तो उसको एज इज़ लेंगे इन दोनों सोर्सेज में, बाइबल्स में भी और एंशंट स्क्रिप्चर्स में भी। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये मतन है जिसके बाद आपको बातें काफ़ी समझ आ जाएंगी जब हम लिंगो में आएंगे और बाद के अंदर जब डिस्कशन होगी तो आपको पता होना चाहिए कि सुमेरिया की सिविलाइजेशन, समर्रा की जो तहजीब है, उन्होंने 21,000 टैबलेट्स डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, 21,000 तख्तियाँ पत्थर की, जिनके ऊपर उन्होंने जितना नॉलेज प्रिजर्व कर सकते हो, ऑफ कोर्स क्या पता ज़्यादा हो इससे। ये 21,000 का मतलब ये है कि ये वो हैं जो कि इराक के म्यूजियम्स में प्रिजर्व थी, इसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई, इसके ऊपर स्टडी हुई, बड़ी वैलिडेशन वेरिफिकेशन 1941 में, बड़ा रिसेंट वाकया है, 40s में टू बी एग्जैक्ट, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट ईयर जब इनको इन्होंने डिक्लेयर किया, मगर 40s में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर की, सो इट्स अ वेरी रिसेंट डिस्कवरी। फिर एक और भी वर्जन है, सॉरी सोर्स है, वो इसराइलियात में आता है, इसराइलियात इन तीनों चीज़ों को नहीं मानते, वो बाइबल के अलावा कुछ स्क्रोल्स और कुछ गॉस्पल्स उनके पास खुद भी हैं, वो भी हैं, वो मैंने पढ़े हैं उनके बारे में, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज, स्क्रोल्स ऑफ टेंपल एंड स्क्रोल्स ऑफ द सी, डेड सी स्क्रोल्स, जी हाँ, मगर उसको उन्होंने इस तरीके से शाय नहीं किया, और भी इनके पास गॉस्पल्स हैं जो कि जिनसे वो बड़ा वो इस्तदलाल करते हैं अपने प्रोफेसीज का और बड़े अपने नॉलेज का। सो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम जब डिस्कशन करें तो, मगर आपने नहीं भी पढ़ी तो आपको मैं ये बता दूं, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि क्या हम उसको एज सोर्स ऑफ ट्रूथ मान रहे हैं? नो, सोर्स ऑफ ट्रूथ हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि साइंटिफिकली लॉजिकली करेक्ट है और उसका कुरान पाक में कोई जिक्र नहीं है तो येस वी टेक दैट एज पार्ट ऑफ द पजल, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कुरान में भी है और उधर भी है तो ऑफकोर्स वी टेक दैट एज पार्ट ऑफ द पजल एंड देन वी ट्राई एंड कम्प्लीट द पजल। अब आपको समझ आएगी कि मैं इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हज़रत इदरीस की या पिरामिड्स की या एलियंस की या इल्यूमिनाटीज की, स्पेशली इल्यूमिनाटीज की, ये सारी की सारी तफसील कहाँ से लेनी है? आज तक मैंने अपनी लाइफ में तो कभी भी कोई ऐसा लेक्चर नहीं सुना जो कि इल्यूमिनाटीज के ऊपर हो और उन पांचों चीज़ों को या पांचों में से किसी कोई सी दो चीज़ें मिल लेता, वो हमेशा बाइबल का कबाला इल्म के ऊपर चलते हैं और शैतानियात के ऊपर आ जाते हैं। ये सब कुछ सरासर गलत है। Illuminati is not a Satan-based practice or a religion or a cult or any kind of ritual which are satanic. Obviously, शैतान ने तो खुश होना होता है ऐसी हरकत के ऊपर, मगर वो शैतान की बेस पे नहीं। This, if you go through a lot of detail of Hazrat Nuh, और मैं बाइबल का यहाँ पर हवाला दूंगा, बाइबल में बुक ऑफ मैथ्यूज में, बुक ऑफ नंबर्स में और बुक ऑफ रेवलेशन में, इन तीनों जगहों के ऊपर बड़ी क्लियर आयात हैं कि दज्जाल का जो दौर है, उसको तो एंटी क्राइस्ट कहते हैं ना, हम उसे दज्जाल कहते हैं, द एंटी क्राइस्ट, द टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट विल बी एग्जैक्टली द टाइम ऑफ नोआ। इतना बड़ा मामला है कि अब इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए हमें हम मान भी लें तो कोई हमारा अकीदा नहीं हिलता। तो ये बड़े एहतियात से मैं आपको ये अल्फाज या आयतों के चुनाव कर रहा हूँ या स्क्रिप्चर्स के, कि हमारे अकीदे पे फर्क ना आ रहा हो। सो अगर क्रिश्चियनिटी में ये बिलीफ है और तीनों के तीनों सेक्ट्स में ये बिलीफ है कि हजरत नूह का जो दौर है वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा दज्जाल का दौर होगा, तो उसके अंदर से फिर जो स्पेशली किंग जेम्स के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बिलीवर्स हैं इस बात के, और वो नूह के मामलात को रेप्लिकेट करते हैं, स्पेशली इन द बुक ऑफ रेवलेशन, उसमें वो बहुत ज़्यादा तफसील में और बड़ी क्लैरिटी के साथ उसको देखते हैं कि क्या ऐसी रेमिनिसेंस है हजरत नूह के दौर की जो कि दज्जाल के दौर में आ सकती है। ऑब्वियसली जो मैं जिन स्कॉलर्स को स्टडी कर रहा हूँ किंग जेम्स की, जो इस वक्त के डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, लिखते हैं इनके ऊपर, जो इनके इस वक्त के पैस्टर्स हैं, वो सुमेरियंस या उसके ऊपर नहीं देख रहे, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी एट सम टाइम दे विल।
So I am giving you a four dimensional perspective here. Christians will have a singular dimension from coming from Bible. Obviously they'll never believe in the Quran. We have alhamdulillah the Quran and the Hadith. और जितनी दज्जाल के बारे में हदीस हमारे पास आती है वो किसी और नबी की कौम के पास नहीं, तो हमें ज़्यादा भी पता चल जाता है इस बात से. सो इस बात से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम ये इदरीस और नूह की बात क्यों कर रहे हैं. इसका ताल्लुक है हमारे से कि दज्जाल के दौर में क्या पता वही वाक़यात हो रहे हों. ग़ालिब गुमान मेरा यही है कि वैसे ही होंगे, बिकॉज दज्जाल के बारे में जो भी अहदीस हैं वो सारी टाइम ट्रेवल की हैं, टाइम स्ट्रेच की हैं, टाइम डायलेशन की और हज़रत नूह और पोर्टल्स की. और हज़रत नूह का दौर बड़ा क्लियरली पता चल रहा था. हमारे पास तो ज़्यादा इल्म नहीं है हज़रत नूह का, हमें तो सिर्फ कुरान पाक में हिंट मिलता है कि वो मामलात क्या थे. मगर अगर आप कुरान पाक में भी देखें तो सूरत के अंदर जब हज़रत नूह का जिक्र आता है तो पहले वो दरवाजे खुलने का जिक्र आता है कि आसमान के दरवाजे खुले और नीचे से भी पानी आना, ऊपर से भी पानी आना, विच हैज़ ए लॉजिकल, वेल इट्स एन ओपिनियन ऑफ कोर्स, उलमा का डिसीजन इस पर तो नहीं है, मगर क्योंकि उन्होंने इस नज़र से देखा नहीं इसको अभी तक. मगर मेरी अपनी एक राय ये है कि क्योंकि कुरान पाक का ये मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, इस बारे में तो इत्तफाक है कि जितना पानी ज़मीन से उठाया जाता है उतना ही पानी बरसाया भी जाता है. ठीक है, ये तो अल्लाह ताला की एक मौजज़ों में से एक मौजज़ा कुरान पाक में इसी तरीके से बताया गया. साइंस ने कहा कि 16 ट्रिलियन टन जो है ना वो पानी वेपर्स में जाता है, अब हमें पता चल गया मीटरोलॉजी के थ्रू, और 16 ट्रिलियन टन ही बारिश होती है. सो उसके थ्रू फिर एक पूरी की पूरी एक कुरान पाक की उन्होंने एक मौजज़े की एक डिटेल मोटरसाइकिल, हाँ ओके मोटरसाइकिल देखें कितनी. मगर हज़रत नूह के दौर में अल्लाह ताला ने कहा कि नीचे से भी पानी निकाल लिया था मैंने और ऊपर से भी पानी निकाल लिया. दैट मींस कि इट्स अ टोटली डिफरेंट वाटर साइकिल जो कि चल साइमल्टेनियसली दोनों हो रहे थे. जी 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 बिल्कुल. सो इसका मतलब ये है कि वो लोकल वाटर साइकिल नहीं थी जो कि पानी समंदरों से उठेगा, ये नीचे के कोई पानी के चश्मे उबले हैं, उबले हैं, तनूर उबले हैं और दरवाजे ऊपर से भी खुले. इसकी कुरान पाक में जब तर्जुमा देखते हैं तो बड़ा सरसरी से तर्जुमा है कि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश का लफ्ज़ नहीं है उस आयत में, बस दरवाजे आसमान के खुलने का लफ्ज़ है हज़रत नूह के दौर में जब आया. जब बारिश का लफ्ज़ ही नहीं है आपने खुद ही क्यों बारिश का लफ्ज़ बताया? आपने बड़ी वैलिड बात की है. मेरे भी आज तक ये इंप्रेशन था कि जब अजाब आया था तो बारिश इतनी बारिश हो गई थी कि वो सैलाब आ गया, लेकिन मैं अब गौर कर रहा हूँ वाकई में बारिश का तो जिक्र नहीं है और पानी का जिक्र है कि सब. जी जी बिल्कुल. नहीं नहीं बारिश तो हुई थी मगर उस आयत में नहीं है जिस आयत की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो लिटरली ट्रांसलेशन की गई है वो बारिश बनता नहीं है लेकिन आसमान से पानी बरसने का ही है, क्योंकि नूह का जिक्र दो जगहों पे आया. वन ऑफ द पर्सपेक्टिव कैन बी कि इट वाज वाटर कमिंग फ्रॉम पोर्टल. सूरह कमर की बात हो रही है, ये सूरह कमर की बात हो रही है. ये दोबारा हमने वही हरकत की है, हमने रेफरेंस दी सूरह कमर में. शुरू में ही आपको पता चलेगा कि हजरत नूह के दौर में जब आसमान के दरवाजे खुले हैं तो फिर क्या हुआ है. तो हमें ये मुहावरे में कहता है आसमान के दरवाजे खुल गए पानी बरस पड़ा, तो आसमान के दरवाजे अल्लाह ताला ने सूरह नबा में भी खोले कि आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, उसका ये मतलब नहीं है कि अब वाबा दरवाजे. ठीक है, ये सूरह कमर. जी जी अभी सूरह कमर खोलने आपको मैं बता देता हूँ, मगर जो सूरह नबा है वो तो नाम ही दरवाजे के साथ है ना, वो तो उसका बारिश से तो कोई ताल्लुक नहीं. वो तो उलमा भी इस पर इत्तफाक करते हैं कि ये बारिश नहीं हो रही, क्यामत वाले दिन की बात हो रही कि आसमान के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के दज्जाल से इसका इतना डायरेक्ट ताल्लुक इसलिए है कि अगर हम हज़रत नूह के दौर में समर्रा के थ्रू या इवन बाइबल के थ्रू भी ये बात तफसील से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हज़रत नूह जो हैं वो दुनिया में उतने ही साल रहे हैं जितने के हम लोग रहते हैं. वो बाकी के जितनी भी 950 साल की तबलीग है उनकी वो उनकी इन दिस डायमेंशन नहीं है. इट कैन सीरियसली बी इन्फर्ड. और बिल्कुल इस हज़रत ईसा इस वक्त 2019 साल के हो गए, बिल्कुल इस तरीके से हज़रत आदम की भी उम्र 1000 साल है और हज़रत नूह की भी 950 साल खाली तबलीग है. उनकी ओरिजिनल एज तो बताई भी नहीं अल्लाह था. सो इस तरह असहाबे कहफ की 350 साल उम्र है, 300 तो खाली गार में सोए हैं. सो बिल्कुल इस तरीके से हज़रत नूह ने जिस तरीके से जानवर इकट्ठे किए थे वो एक इंसानी सतह के ऊपर पॉसिबल नहीं है कि सारे जानवर इकट्ठे किए जाएँ. उसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है. अच्छा वर्डिंग सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तहना अब्वाबस्समाई बिमाइन मुनहमर. जी बिल्कुल.
पर ये यहीं तक ही रखें जी, इसके अच्छा। बाद वाली आयत पढ़ लें, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَلْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ یہاں پہ پانی آ گیا اب yeah. زمین سے پانی آ گیا وہ کہ ارض سے ماء کا مطلب نہیں ماء تو پچھلی آیت میں بھی آ گیا لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی بارش کے لیے عربک میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے جی پوری اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کے سامنے ترجمہ یہ مودودی کے بارے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تب ہم نے مستدار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے جی نہیں عربی پڑھے میں آپ کو ففتحنا ابواب السماء بماء کھل گیا کھل گیا ابواب دروازہ ماء جو ہے وہ پانی کے لیے پانی منحمل کا انہوں نے ترجمہ جو کیا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بارش ایگزیکٹلی بٹ زیادہ پانی کو کہہ رہے ہیں شاید جی جی دیکھیں میں وہ والی بارش کے خلاف نہیں ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دروازے کھلے ہیں نا تو یہ پورٹلز ہی کھلی ہیں یہ کہیں اور سے پانی آیا ہے بارش تو یقیناً ہوئی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دس از ناٹ دا لوکل واٹر سائیکل جو کہ چلی ہے یہ پانی ایکسٹرنل لایا گیا ورنہ زمین کو پورا ڈبونے کے لیے وہ واٹر سائیکل کافی نہیں ہے نا جو کہ لوکل ویپر سے آتی ہے ٹھیک ہے جتنا پانی ہے اتنا ہی سائیکل کیا جاتا ہے اس ارتھ میں تو جتنا مرضی برسے گا وہ کہیں سے آئے گا نا تو زمین سے اٹھے گا تو برس جائے گا تو سیلاب کیسے آئے گا پھر مطلب لوکل سیلاب تو آ سکتا ہے اسے پوری دنیا کو ڈبونے کے لیے کہیں سے ایکسٹرنل پانی لانا ضروری ہے اچھا یہ قرآن میں یہ پوری دنیا کا ریفرنس ملتا ہے کیونکہ غامدی صاحب نے کہا کہ وہ ایک خاص خطے پہ آیا تھا وہ غامدی صاحب کے پاس وہ ایسی کتاب ہے جہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں وہ بائبل میں جو جس بارے میں ذکر ہے بائبل میں کیا تورات میں جس کی تفصیل ہے پوری ڈیسولیشن کا چیپٹر ہے پورا پھر سومیرین جو ٹیکسٹ ہیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ تو ادریس سے کرتے ہیں نا اس کا استدلال پورا کہ ادریس نے وارننگ پہ وارننگ دی پھر یہاں تک کہ اپنے پڑ پوتے کے پیدا ہونے کا انتظار کیا پھر اس کو خود ٹریننگ دی حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ جب پانی جو ہے نا وہ ساؤتھ انہوں نے کہا ساؤتھ پول سے پانی چل پڑا ہے دونوں پول سے ایکچولی انہوں نے کہا دونوں پول سے پانی چل پڑا ہے ٹائڈز نکل پڑی ہیں اتنے سال ہیں تیرے پاس اتنا وقت ہے تیرے پاس تو ایکچولی سال ہی لگا تھا اس میں پورا سال لگا تھا کہ پوری پانی اس ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ جو ففتحنا ہے نا ابوابا کے دروازے کھلے وہ آسمان کے دروازے وہ والے کھلے جو سورہ نبا کے دروازے کھلے ٹھیک ہے اس میں یہ سوچنا بے حد ضروری ہے کہ لوکل ایک ٹینک کے اندر ایک خاص اماؤنٹ کا پانی ہو اس کو جتنا مرضی سائیکل کریں وہ ٹینک سے باہر نہیں آئے گا سمجھ رہے یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ جتنا پانی اٹھاتے ہیں اتنا ہی گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا پانی اٹھے گا تو نیچے اتنا ہی گیپ کریٹ ہوگا پھر وہ گیپ فل ہو جائے گا اس کا سو پوری زمین کو پانی میں وہ بھی کئی کئی سو فٹ تک دبونے کے لیے کیونکہ درخت کوئی بھی نہیں بچا تھا جو پانی سے اوپر نظر آتا ہو سمجھے کوئی پہاڑ نہیں بچا تو اتنا لیول آیا کہ پہاڑ کے پہاڑ پانی کے اندر سے کیونکہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ بھی چلا گیا تھا بالکل سو اٹس ناٹ ان آرڈینری غامدی صاحب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی لوکل سیلاب سے پہاڑ نہیں نیچے آتے ہوتے کوئی کسی بھی علاقے میں سیلاب آ جائے اس علاقے کے ٹاپ کے پہاڑ اگر نیچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ علاقہ سرپاس ہو چکا ہوا ہے ورنہ وہ پہاڑ ہی بچ جائیں اگر لوکل علاقے کا سیلاب ہوتا تو پہاڑ ایڈمٹ کہ اس پہاڑ کی ٹاپ کے لیول تک جتنے بھی زمین کے ایریاز ہیں وہ تو کم از کم کور ہو ہی گئے تو پھر اس کا مطلب علاقہ تو پار ہو گیا نا پار ہو گیا مطلب اپنے علاقے کی میں سب سے اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں اٹ مینز کہ سی لیول دی سی لیول تو کراس ہو گیا تھرو آؤٹ دی ورلڈ سی لیول از دی باٹم یا دس از دی ٹاپنگ اباؤٹ ٹاپ آف دی ماؤنٹین یا اگر میں کسی بھی علاقے میں سمجھ لیں کے2 ہے اس سے اونچا پہاڑ تو کوئی نہیں ہے میں کے2 کے پاس کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور میں کے2 پہ چڑھ جاؤں اور پھر کے2 بھی ڈوب جائے تو وہ علاقے کا سیلاب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پورے دیٹ آٹومیٹکلی مینز کہ کے2 سے جتنے بھی نیچے لیول کی پہاڑیاں ہیں دے آر آل سرپاس کے2 سمیت نا کیونکہ ان کا بیٹا بچہ تھوڑی ہے اس پہاڑ پہ چڑھ کے بالکل سمجھ رہے ہیں سو یہ بالکل بیس لیس قسم کی بات ہے میں ان کو اس کو بیوقوفی کے زمرے میں رکھوں گا اس روزے کو کہ یہ زبردستی کرنے والی بات ہے کہ سیلاب کیا جائے اچھا بہرحال تو جی سوری آپ کنٹینیو کریں چلیں نہیں میں بس یہ اس کو یہ پورٹل کے اس کانسیپٹ کو جی پانی کی سائیکل سے بڑا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا ایک جو کیونکہ ہماری ریسنٹ جتنی بھی سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے خاص طور پہ جو بات کی ہے وہ پری ہسٹورک نیشنز کی جن کا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وی آر ایکچولی پوائنٹنگ ٹورڈز دوز نیشن اور پھر ابھی آپ نے ایک بات دجال کے حوالے سے بھی کی ہے تو ہمارے لیے یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی آر وی ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیز نیشنز فرسٹ آف آل
कि जो अगर एक आम रिलीजियस माइंडसेट रखने वाला बंदा हो या फिर रिलीजियस इंक्लिनेशन वाला बंदा हो या फिर समबडी हु स्टार्ट्स रीडिंग कुरान, तो उसको जो स्टार्ट मिलेगा वो आदम अलैहि सलाम से मिलेगा। हज़रत आदम अलैहि सलाम के से पहले नहीं, नहीं, उससे पहले से मिलेगा कुरान जो किस्सा बताया गया, मतलब कि जो अल्लाह सुब्हान व तआला और फरिश्तों की जो डायलॉग होता है उसके बारे में वहाँ से। मैं कुरान पाक में भी है ना कि हमने इनमें से आदम को चुना ना, तो इसका मतलब है कि ऊपर से अहदीस के लिए है ना, हमें बाइबल की जरूरत नहीं करता है, कुरान और हदीस को अलग मत करेंगे। ठीक है, जब आप इस तरह के टाइमलाइन को प्लॉट करेंगे तो अहदीस के थ्रू दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग कुरान में यही बात हम समझना चाह रहे हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक इन नेशंस की, और जो हम इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे कुरान मजीद की जो आयात हैं, और हम इसकी सिग्निफिकेंस कैसे बयान करेंगे, हम इनकी क्यों बात करना चाह रहे हैं। एक जो मेरे जहन में बात आती है जो कि पहले भी एक क्वेश्चन पोज हो चुका है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने बार बार कुरान मजीद में एक बार रिपीट किया कि तुमसे पहले बहुत ताकतवर कौमें गुजर चुकी हैं, और एक जगह अल्लाह तआला ने आई वॉज रियली एस्टॉनिश्ड टू रीड इट, क्योंकि जब भी मेरी ऑफिस में डिस्कशन होती है तो कुछ जो मेरे कोलीग्स हैं दे आर वेल वर्स्ड इन द इकोनॉमिक्स, तो वो ये बात करते हैं कि यार इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी। तो पर्टिकुलरली अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक जगह वर्ड यूज़ किया है कि तुमसे पहले ताकतवर कौमें गुजर चुकी हैं जो कि माश में तुमसे ज़्यादा ताकतवर थी, यानी देवर नॉट इवन एडवांस बट देवर एक्चुअली इकनॉमिकल मोस्ट एबल देन अस। सो वट डज़ इट एक्चुअली मीन कि जो वो कौमें गुजरी हैं वो कौन सी कौमें थी, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की के बाद की कौमें थी या उनसे पहले भी कौमें थी जो ताकतवर थी, और अल्लाह सुब्हान व तआला जब उनका रेफरेंस दे रहे हैं तो वो जो कौमें गुजर चुकी हैं वो टिल द टाइम ऑफ क़यामा के लिए वो देयर स्टेटस विल रिमेन ऑन द टॉप लेवल, उनके मतलब अल्लाह तआला ने कह दिया वो ताकतवर तरीन थी, इट मीन्स कि अब वाली कौमें वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी। वट आई अज्यूम फ्राम इट, क्या वाकई में ऐसा ये अजम्पशन करना हमारा ठीक है कि वो इस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि अभी तक की कोई भी सुपर पावर नहीं पहुंच सकी, और वो कौमें कौन सी थी, हज़रत आदम अलैहि सलाम के बाद की कौमें की थी या हज़रत आदम अलैहि सलाम से पहले भी, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं शायद देयर माइट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस वो हो सकती हैं। इसके बारे में देखें ये वाली जो आयतें हैं ना, ये तो कुरैश से और मगरूर फिरौनों से बात हो रही है। ठीक है, इसमें जब कौमों का जिक्र आता है तो इंसानों की इंसानों से कंपेरिजन होती है। एक ऐसी आयत मैं आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आपको ये बात समझ आएगी, वो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70, वो निकालें ताकि आपको पता चले एलियंस की कौमों को इंसानों की कौमों से इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करना। हमने ये जो बात हो रही है ये हो रही है किसी लोकल फिरौन की कि तेरे से बेहतर और तेरे से बड़ी ताकत इंसानों ने देखी है, समझ रहे हैं, इसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना इस बात को। ये जो है ना सूरह बनी इसराइल की आयत, इससे ये बात समझ आ रही है कि इंसानों से बेहतर, जिसे हम कहते हैं ना अशरफुल मखलूकात इंसान है, इंसान से बेहतर भी अल्लाह ताला ने कहा है तुमसे बेहतर भी कुछ कौमें मैंने कुछ क्रिएशंस बनाई हैं, और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि सुने बस बनी इसराइली 17 या 17 भी कहते हैं मतलब बीच बीच आयत 70 70 आप वो वाला तर्जमा वाले निकाल लिया करें ताकि आसानी हो जाए। बहरहाल ये मैं आपको आयत बता दूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए इस सवाल के अंदर। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا یہ آخری والا حصہ دوبارہ پڑھیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ کہ ان میں سے زیادہ تر کے اوپر ہمیں تم نے ہم نے تمہیں فضیلت دی سب پہ نہیں فضیلت دی جس کا اردو ترجمہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے میں پوائنٹ کیا ہے یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی بہت سی مخلوقات پر سب پنی بخشی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے واللہ العالم اور بھی فضیلت رکھنے والی قومیں بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہیں یہ والی آیت بہت بڑا مقدمہ ہے اس نقطے کے اوپر کہ کیا ہم ہی ہیں سینٹر آف دی یونیورس تو نہیں یہ بتا دیں کہ نہیں آپ لیکن یہ اس میں وہ قومیں بھی انوالو ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ پلانٹ ارتھ ایگزسٹ کرتی ہیں جی جی یہ تو آیت ہی یہ ہے انٹر انٹر سپیشی آیت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی کی قومیں بڑی گزری ہیں وہ انٹر سپیشی نہیں ہے وہ انٹرا ہیومن اسپیشی ہے کہ فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ کس بات کے غرور میں آ گئے ہو تم سے بہتر اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے نہیں غرور کیا تمہیں کس بات کے پر لگ گئے ہیں ادھر سو اف وی ار ایڈریسنگ دی فرعون اف دی کرنٹ ورلڈ یا اٹ سٹل ہولڈز ٹرو کہ وہ قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں مگر وہ انسانوں کی بات ہے ذوالقرنین پہلے گزر چکا ہے تو کیوں ان سے بش کو ایسا کون سا خواب آ گیا کہ جس کو اللہ نے
कोई खास ताकत देती है। सर में हम थोड़ा सा, हमने एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया, हम हजरत इदरीस पे जा रहे थे, आप सर नू का। जी हाँ, नहीं वो हजरत नू का बात जो है ना, वो नू की बात इदरीस से लिंक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इदरीस को क्यों समझना है, वो हजरत नू की वजह से हमें समझना है, ठीक है। हजरत इदरीस के वक्त में अच्छा क्रिश्चियंस जो है ना वो ये मानते हैं कि हजरत इदरीस अभी भी जिंदा हैं। ये बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो आदम अलैहिस्सलाम के कितनी जनरेशन के बाद के थे? सेवंथ जनरेशन हैं, मतलब छठे जनरेशन के, सेवंथ जनरेशन। एंड हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज ऑन व्हिच? टेंथ, हजरत आदम नाइंथ, या टेंथ, पड़ पोते हैं ना हजरत इदरीस के, पड़ पोते हैं हजरत नूह। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। हां, तो 10th सन ऑफ एडम बनते हैं, 10th पैट्रियार्क, 10th सन तो नहीं है, 10th सन तो पहली जनरेशन में आता है। सो सवाल दोबारा बताएं। हाँ, हजरत इदरीस का जो क्रिश्चियंस है ना वो ये मानते हैं अभी भी, तीनों सेक्ट्स, कि इदरीस अभी भी आसमान में जिंदा है, ठीक है। वो हजरत ईसा को मार देते हैं मगर इदरीस को उन्होंने जिंदा ही रखा हुआ है। ये तो हमें अहदीस के थ्रू पता चला है कि इदरीस को चौथे आसमान पे हजरत इजराइल ने रूह कब्ज कर ली थी। कुरान में लेकिन जिक्र है उठाने का, वहाँ पे मौत का जिक्र नहीं, मगर हदीस है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमें हदीस से क्लियर हो जाती है, लेकिन कुरान में अगर हदीस पे की सेहत पे किसी को मसला है तो हम इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा कर लेते हैं, हमारे लिए ईसा भी जिंदा है तो इदरीस भी जिंदा, इसका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर इदरीस जिंदा है या वो फौत हो चुके हैं, उसका उनके चौथे आसमान पे होने से इनकार नहीं हम कर सकते, क्योंकि वो मेराज की हदीस में भी चौथे आसमान पे मिले हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। तो इसका मतलब है चौथे आसमान तक तो गए थे, ठीक है। और कौन उनको पहले आसमान पे मिले हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को? आदम अलैहिस्सलाम। तो इसका मतलब है कि आदम और बनी आदम पहले आसमान तक ट्रैवल करते हैं मरने के बाद भी, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आसमान कोई रूहों के लिए कोई मामला नहीं है, ये कोई और यूनिवर्स है जहाँ के ऊपर बाकी के आसमान है। सो इट्स अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल एंड जर्नीज, जो कि सुमेरिया के टैबलेट्स में बड़ा तफसील से जिक्र है उनका।